बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ मैं चाह रहा हूँ कि खेलूँ, माशाल्लाह मौका मिल रहा है उनके साथ खेलने का, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ खेल के, माशाल्लाह बाबर आजम जैसे प्लेयरों के साथ खेलेंगे, बाबर आजम, शादाब खान, शादाब भाई और हुसैन तलत हमारी टीम में, माशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वो हमारी कैंप में हमारे साथ है, हमें बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, माशाल्लाह रियान भी हमारे पर बहुत टेक्निकल तरीके से बहुत कुछ सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हमें, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को अभी मिल रहा है, माशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे और आगे सीखेंगे इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी प्लेयरों से। सुबह हमारा डेली नेट लगता था, अभी तो रमज़ान में टाइमिंग सारी चेंज हो गई है, नाइट नेट लग रहा है, उसके बाद फिर जिम प्लान भी होता है इनका, जिम मुइन भी हमें जिम वगैरह करवाते हैं, डाइट वगैरह पे फोकस करते हैं। अब गुस्सा तो बहुत आता है जब बैट्समैन आगे से छक्का मारे चौका मारे, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है और अपने प्लान के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्लान से हटेंगे तो फिर और ज़्यादा वो होगा ना, डिस्टर्ब होगा, माइंडली भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जैसे प्लान से इधर उधर होंगे और स्कोर वगैरह भी लगते हैं उसी हिसाब से, अगर एक ही जगह पर करते रहेंगे, अगर अपने रिदम में रहेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे तो वो फिर उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए कंट्रोल करना पड़ता है ग्राउंड के अंदर सब कुछ दे के। शुएब अख्तर को शुरू से फॉलो करता हूँ, शुएब अख्तर भाई इंशाल्लाह मेरा एम है कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूँ, माशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दिन तोड़ूंगा उनका रिकॉर्ड। प्लान तो किया हुआ है कि बहुत सारे जो भी आएंगे पाकिस्तान प्लेयर आउट करूँगा, जो भी आगे आएंगे उनको बस मैं बीट करना है उनको बस। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, माशाल्लाह हर जो भी अच्छा प्लेयर यहाँ पे आता है उसको अच्छे तरीके से मौका मिलता है यहाँ पे खेलने का, जो भी मेहनती लड़का हो इधर आके अपना वो कर सकता है, मेहनत कर सकता है, अच्छी मेहनत कर सकता है, हर चीज़ यहाँ पे जिम वगैरह हर सेशन इधर करवाते हैं, वन टू वन सेशन सारे होते हैं यहाँ पर।